सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पवन और दोस्तों आज हम जिस ओपनिंग के बारे में गाइस बात करने वाले दोस्तों, बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है गाइस, ये कंपनी बहुत ज्यादा टॉप क्लास दोस्तों, बहुत अच्छी यहाँ के वर्क कल्चर है, टॉप क्लास की एमएनसी कंपनी गाइस। 5 डे का आपका वर्क, 2 ऑफ, बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, बहुत टॉप क्लास है, जहाँ पे आपको लर्निंग दोस्तों मिलने वाली। और गाइस जिस प्रोफाइल पे लोग हायर कर रहे हैं ये भी बहुत ही करियर बेस्ड प्रोफाइल है, जिसका नाम दोस्तों होने वाला है कैटलॉग एनालिस्ट गाइस। और दोस्तों ये लोग जो जिस कंपनी के लिए हायर कर रही है, कंपनी आपकी होने वाली अमेजोन पर दोस्तों, जो हायरिंग चल रही है, हायरिंग चल रही है कोलैब्रा कंपनी की तरफ से गाइस। तो यहाँ पे आप अमेजोन के लिए काम करने वाले हैं, पर जो सैलरी पैकेज अच्छा अच्छा है वो आपको कोलैब्रा प्रोवाइड करने वाला दोस्तों। तो अब ये मान के चलो कि आप अमेजोन में ही काम करने वाले गाइस, तो बहुत ही टॉप क्लास कंपनी दोस्तों। अब गाइस ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, मतलब घर बैठ के आपने काम करना गाइस। सेकंड दोस्तों, पूरे भारत में आप किसी भी लोकेशन से हैं आप यहाँ पे गाइस अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप फ्रेशर है, पहले आपने बिल्कुल भी काम नहीं करा है, 100% फ्रेशर है, कहीं भी काम नहीं करा आपने पहले, आप यहाँ गाइस अप्लाई कर सकते। सो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या जॉब रोल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ये 2 पार्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमें जॉब, यहाँ पे हमें एचआर का डिटेल वगैरह मिल गया है, तो वो कैसे अप्लाई करना है वो वाला पार्ट भी आप अच्छे समझ लें, ताकि आपका रिस्पॉन्स 100% आए। तो इसके लिए गाइस आप वीडियो को आने तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा गाइस अच्छी ओपनिंग होने वाली है। लेकिन सबसे पहले गाइस चैनल फर्स्ट टाइम है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, बेल आइकन दबा दो, इतनी टॉप क्लास ओपनिंग गाइस जितना तो बनता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ओपनिंग आपकी होने वाली है कोलैब्रा कंपनी के अंदर दोस्तों, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द कंपनी इज अमेजोन, तो मतलब ये अमेजोन कंपनी के अंदर आप काम करने वाले हैं। पर जो आपका पेरोल वगैरह होने वाला है वो आपका देख सकते हैं ये कोलैब्रा के थ्रू होने वाला है। तो ये आप समझ लो कि आप अमेजोन के अंदर ही काम करने वाला, बहुत ही टॉप क्लास है इस कंपनी अमेजोन है, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब वही देखो इन्होंने यहाँ पे जिस प्रोफाइल के लोग हायर कर रहे हैं, ये आपका हायर कर रहे हैं कैटलॉग एनालिस्ट दोस्तों, जो कि एक ऑडिट के रिलेटेड आपका प्रोफाइल होने वाला है, जिसके बारे में डिटेल में आगे हम बात करें दोस्तों। अब वही देखो इन्होंने सैलरी पैकेज कुछ मेंशन तो नहीं करा, बताया जो मैंने रिसर्च करा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, तो जो सैलरी पैकेज गाइस आप मिलने वाली, जो एवरेज सैलरी पैकेज गाइस यहाँ होती है वो 3.6 लाख पर एनम तक की होती है। इनहैंड की बात करूँ तो 30,000 रुपये आपकी इनहैंड की सैलरी यहाँ पे बैठती है। तो आप सैलरी पैकेज मान के चलो कि 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक आपकी सैलरी पैकेज यहाँ पे रहने वाली है। ऑल डिपेंड्स ऑन कैसे आप यहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों। देखो सबसे पहले यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए, कहीं मेंशन नहीं कि कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, तो आप यहाँ बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, आप सारे गाइस यहाँ एलिजिबल है। कौन से ईयर में पास आउट है दैट रियली आल्सो डजंट मैटर, हाँ बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं होना चाहिए गाइस, तो मतलब आप फ्रेश पास आउट हो तो ज़्यादा बेटर होगा, बट आप यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अगर आप मतलब 2015 के आस के पहले के या उसके बाद के भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं करा गाइस। देखो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस प्रोडक्ट सच एज वर्ड एंड एक्सेल, तो इस चीज़ का यहाँ पे आपका स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका काम है ना, ये आपका मेजॉरिटी काम आपका होने वाला है बैक ऑफिस का, आप यहाँ पे एक्सेल के ऊपर काम करने वाले हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस होना इंपॉर्टेंट है। तो इन केस में से मेरे किसी भाई को बहन को नहीं आता, आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास कोर्स है जो कि 3 घंटे का है, बहुत टॉप क्लास कोर्स है, 3 घंटे के अंदर आप सारे के सारे एक्सेल की चीज़ें सीख लेंगे। इसका लिंक मैं दोस्तों नीचे दे दूंगा, पहले आपको अप्लाई करना और सेकेंड आप उस कोर्स को ले लेना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा इस जॉब के लिए दोस्तों, ठीक है। तो वो स्किल जरूर ऐड करना और उसको रिज्यूमे में जरूर ऐड करना, जिससे आपको जॉब लगने में जो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस सेकंड आपकी होने वाला एलिजिबिलिटी कैटर। और इसके अलावा जो आपको कम्युनिकेशन स्किल है, वर्बल मतलब कि लिखने वाला और मतलब बोलने वाला और रिटन मतलब लिखने वाला, दोनों ही पार्ट आपके यहाँ पे स्ट्रांग होने चाहिए। और इसके अलावा आपको टीम में अच्छे से काम करना आपको आना चाहिए, इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ये सारा चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे गाइस आपका बेसिक। और दोस्तों यहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो हाँ जी यहाँ पे विद इन अ वीक 10 डेज 15 डेज के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। पर हाँ आप पहले इंटरव्यू दो, आप एचआर से बात करना, अगर आप अच्छे कैंडिडेट होंगे तो वो मैनेज कर लेंगे। इमीडिएट ज्वाइनिंग नाम कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे, अगर आप अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं और आप अच्छे कैंडिडेट तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये तो होगी यहाँ की एलिजिबिलिटी का एड्रेस। अगर मैं आपकी बात करूँ आपके यहाँ पे जॉब रोल गाइस, क्या देखो आपका जो जॉब रोल दोस्तों, आप यहाँ पे काम करने वाले एज एनालिटिक, एज अ कैटलॉग एनालिस्ट गाइस। देखो जैसा कि नाम से क्लियरली मेंशन कि यहाँ पे आप देखो आप अमेजोन के अंदर काम करें, तो आपको आप क्या है कि अमेजोन के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में होगे, मान लें सब कुछ कि आप सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर है, तो आपको वहाँ पे सेल्स का जो भी एसओपी है, एसओपी विच स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो हर एक काम करने का एक अपना प्रोसीजर होता है। तो आपका एज अ कैटलॉग एनालिस्ट यही काम होने वाला है कि आपको ध्यान देना है कि क्या जो भी एसओपी बनाया है अमेजोन ने
वो वहां के एम्प्लॉय फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर या फिर किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर आपको बैक टू बैक ऑडिट्स करनी होगी, उसके रिपोर्ट तैयार करने होंगे और वो आपके मैनेजमेंट को या फिर किसी और डिपार्टमेंट को उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगी, उसका बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो ये ही आपको यहाँ पे काम करना है कि आपको उस SOP को फॉलो करवाना है और आपको हर हो सकता है वीक में, मंथ में या फिर जैसा भी उनका प्रोसेस होगा, आपको ऑडिट्स करने हैं और उनका रिपोर्ट आपको बना करके देना आपके मैनेजर को या फिर आपके सुपरवाइजर को या फिर जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ये आपका होने वाला यहाँ पे काम एज अ ऑडिटर आप काम करो, तो प्रोफाइल वाइज बहुत धमाकेदार है, ठीक है। तो गाइस देखो ये तो हो गई यहाँ की जॉब, देखो दोस्तों अब ये टेन्योर जो है 4 महीने का होने वाला है, पर गाइस जैसा आपका काम रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आगे परमानेंट भी मिल जाएगा और यहाँ पे जो आपका शिफ्ट है रोटेशनल दोस्तों होने वाला, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गए सारे डिटेल गाइस, हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैसे दोस्तों आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो गाइस देखो अप्लाई करने से पहले मैं आपको देने वाला यहाँ पे कुछ HR के ईमेल आईडी गाइस, देखो यहाँ पे जिस लिंक के थ्रू यहाँ पे जॉब आया यहाँ पे तो उन्होंने कुछ नहीं दिया ईमेल आईडी वगैरह, पर मैं आपको काफी सारे HR के ईमेल आईडी दे दूंगा, एक दो जो मुझे मिलेगा, मतलब एक दो तीन जो भी मिलेगा काफी सारे बोल रहा हूँ मैं, तो आपको उन ईमेल आईडीज पे आपको मेल करना आपको रिज्यूम है दोस्तों। बट आपको रिज्यूम मेक श्योर करना है कि आपने जो भी स्किल्स इन्होंने मांगा आप दोबारा से गो थ्रू करना और ये सारे स्किल आपने वहाँ मेंशन कर रखे, और एक तो आपको मेल करना, नंबर मिला आपको नंबर डाल दूंगा इस नीचे, ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, और थर्ड दोस्तों आपको इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना। तो ये तीनों को तीनों वे ऑफ अप्लीकेशन आप जरूर से गाइस फॉलो कर लेना दोस्तों। सो गाइस ये ओपनिंग दोस्तों और अमेजॉन कंपनी के अंदर गाइस बहुत टॉपलेस दोस्तों ये ओपनिंग होने वाली है। सो गाइस आई होप मैंने इस वीडियो में सब कुछ मेंशन कर दिया दोस्तों। अब कोई भी गाइस डाउट बचता है, कोई भी क्वेरी बचता है, आप 100% दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड वेरी वेरी गुड लक फॉर द इंटरव्यू जॉब सिलेक्शन।